गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम क्लास एट्थ का ग्रामर का जो इंग्लिश में हमने बताया था उसका नेक्स्ट जो वीडियो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं ये क्या है डिटरमाइनर डिटरमाइनर क्या है करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स मतलब जो यू आर्टिकल्स का है वो हम सही प्रयोग कैसे करेंगे ए वर्ड देर डिटरमाइनर्स ए वर्ड एक शब्द होता है देर डिटरमा जो निश्चय करता है और लिमिट्स ए नाउन और ए नाउन फ्रेज इज डिटरमाइनर जो नाउन और नाउन के जो फ्रेज हैं फ्रेज की मैंने मीनिंग भी दी थी कि आपको बताना है कुछ स्टूडेंट ने बताई भी है तो उसमें आप देखेंगे फ्रेज़ का मतलब उसमें किसी ने कहावत बताया किसी ने कुछ और भी, भी दिया है तो डिटरमाइनर क्या ये निश्चय करता है कि ए एन दा का प्रयोग कहाँ पर होगा अब जैसे हम देखेंगे काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर आर्टिकल्स एंड मैनी एडजेक्टिव फंक्शंस एज डिटरमाइनर्स जो आर्टिकल और एडजेक्टिव के जो मैनी फंक्शंस होते हैं कई फंक्शन होते हैं वो क्या हैं डिटरमाइनर्स जैसे आर्टिकल आर्टिकल कौन कौन से हैं ए एन डी ए एन डी सेकेंड है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस दैट दीज दो हैं पर एडजेक्टिव क्या है माई है अबर है योर है हिज है हर है देयर है इट्स है और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है? ईच है एवरी है आई है नाइदर है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर जो क्वांटिटी बताते हैं सम एनी मच मैनी ऑल बो टू फर्स्ट सेकेंड एटसेट्रा अब हम इसमें देखेंगे आर्टिकल्स आर्टिकल्स क्या हैं क्योंकि इसी का एक पार्ट है इन इंग्लिश देयर आर ओनली थ्री आर्टिकल इंग्लिश में कितने आर्टिकल होते हैं थ्री होते हैं कौन कौन से ए एन दी ए एन दी दीज आर यूज टू ए क्लासीफाई दीज आर यूज टू क्लासीफाई वेदर ए नाउन ये नाउन को क्या करते हैं क्लासीफाई करते हैं वो इंग्लिश में आर्टिकल्स बहुत ही मस्ट हो जाता है इसको सही से समझना नाउन इज स्पेसिफिक और नॉट स्पेसिफिक मतलब ये स्पेसिफिक है या नहीं है दे आर क्लासिफाइड इन टू टू कैटेगरी इसको हम दो भागों में बांटते हैं एक होता है आइडेंटिटी फाई आर आइडेंटिटी फाइनाइट आर्टिकल सॉरी इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स बिकॉज दे डू नॉट पॉइंट आउट आउट टू एनी पर्टिकुलर और डेफिनेट नाउन ए एंड एन क्या कहा है ए एंड आर एन इनडेफिनेट आर्टिकल कैसे हैं अनिश्चित हैं आर्टिकल्स बिकॉज दे डू नॉट पॉइंट ये पॉइंट नहीं करते हैं क्या आउट टू एनी पर्टिकुलर और डेफिनेट नाउन ये मतलब पर्टिकुलर है या डेफिनेट नाउन है इसको क्लियर नहीं करते हैं फॉर एग्जाम्प ए फ्रॉग ए सिप ए टाउन एन आस एन ऑल तो डेफिनेट आर्टिकल में क्या है दिस इज़ द डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट्स पॉइंट आउट ए पॉइंट आउट टू ए पर्टिकुलर और डेफिनेट नाउन दिस इज द बॉय हु हेल्प द ओल्ड मैन तो ये पॉइंट आउट कर रहा है कि ये वही लड़का है जिसने उस बूढ़े आदमी की हेल्प की थी दिस इज़ द स्टोरी दिस इज द स्टोरी दैट माई ग्रांड मदर टोल्ड मी ये वही कहानी है जो मेरी दादी माँ मुझे सुनाती थी आर्टिकल्स ए एंड एन आर यूज बिफोर ए कॉमन नाउन आर्टिकल ए और एन है वो यूज किसके साथ होता है बिफोर पहले कॉमन नाउन के इन सिंगुलर नंबर ओनली कैसा होना चाहिए जब वो सिंगुलर नंबर में ओनली होता है वाइल जबकि द इज यूज बिफोर बूथ द सिंगुलर एंड प्लूरल नाउंस जो द है वो सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल्स में भी यूज होता है अब जैसे आर्ट इसमें दिया यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एंड दी जिसमें आर्टिकल्स ए इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउंस आर्टिकल ए किसके साथ हो जो सिंगुलर वो कैसा हो काउंटेबल नाउन बिगनिंग विद ए कॉन्सोनेंट और ए गिविंग ए कॉन्सोनेंट साउंड इन बिगनिंग इसमें एक बात का भी ध्यान रखना चाहिए इसमें क्या है कि इसमें जो कॉन्सोनाउंट होते हैं जो व्यंजन होते हैं उनके साथ में किसका प्रयोग होगा ए का लेकिन कभी कभी आपको इससे पहले जो ग्रामर बताई गई है उसमें यह भी कहा गया है कि वोवेल्स कौन से ए ई आई ओ यू लेकिन इसमें कॉन्सोनेंट बताया गया है तो कॉन्सोनेंट क्या है व्यंजन के आगे तो इसमें एक बात अभी उसी की धारणा टूटेगी जो ई ए आई ओ यू की जैसे इसमें दिए गए ए वन आइड मैन ए वन आइड मैन वन गिविंग वा साउंड ये कैसा साउंड दे रहा है वा ए हॉर्स ए हॉर्स ए यूनिवर्सिटी ए के साथ में क्या यूनिवर्सिटी के साथ में क्या आ रहा है ए जबकि उसमें आपको वॉबल्स में क्या बताए ए -E आ, ओ, यू, यू रहा है इसमें लेकिन एन आना चाहिए उसके अकॉर्डिंग लेकिन यूनिवर्सिटी का आप साउंड पे जाइए इसमें साउंड बोलते समय देखिए यू यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी में क्या है कि इसमें यू साउंड आ रहा है इसलिए जैसे ऐसे इस ही होता है ए ब्लैंकेट ए यूरोपियन आपको बताया ए ई आई ओ यू तो इसमें ई आ रहा है लेकिन इसका जो साउंड है वो कौन सा है यू क्या है यू तो इसलिए ए मेंबर तो आपको ये भी याद रखना है जो भी आप काउंटेबल नाउन के साथ में ए एन का प्रयोग करेंगे तो जो हमने अभी आपको बताया था ए यूरोपियन ए यूरोपियन में आप देख रहे हैं यू साउंड यू साउंड आ रहा है फिर आता है आर्टिकल एन इज़ द यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल जो सिंगुलर हो कैसा हो काउंटेबल हो गिनने लायक हो बिगनिंग विद ए बॉवेल किससे शुरुआत हो रही हो उसकी स्वर से एंड गिविंग ए बॉबल साउंड इन द बिगनिंग और वो कौन सा साउंड दे रहा हो बॉवेल ना कि कॉन्सोनेंट तो इसमें क्या जैसे एन ऑनेस्ट मैन क्या लिखा है एन ऑनेस्ट मैन तो इसमें क्या होता है कि एच साइलेंट रहती है जबकि ये शुरुआत किससे हो रहा है कॉन्सोनेंट से लेकिन इसका जो साउंड है वो कैसा है वो है इसलिए यहाँ पर क्या आया एन ऑनेस्ट मैन एन आएगा फिर आता है एन एम एल ए एम एल ए में आप देखिए साउंड पे जाइए ए आ से आ रहा है एम एम ना कि आप बर्ड पे जाइए एन एम एल ए साउंड ऑफ वॉवेल ठीक है फिर आपका आता है एन ऑनरेबल मैन क्या बोला जाता है ऑन उन, एन ऑनरेबल मैन मतलब सम्मानी व्यक्ति तो इसमें आप देखेंगे एच साइलेंट है इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ है ऐसे ही आपका एन आल एन अंकल एन आर्टिस्ट इस तरीके से हमें ग्रामर पढ़नी है क्लास एर, एर्थ इर्थ की ग्रामर है लेकिन ग्रामर के सभी चैप्टर सभी क्लास के स्टूडेंट के सुनने के लिए जरूरी है इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है थैंक यू